मां मनसा देवी की जय। यही समझाना चाहती है ना आप कि मैं शिव शक्ति छोड़कर आपका भगवान बन। मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। हे मां देवी मनसा, मैं तो क्षमा मांगने की योग्य भी नहीं। जिस मुख से मैंने बार बार आपका अपमान करने की मूर्खता की, उस मुख से मैं क्षमा कैसे मांगूंगा। अपनी भक्ति के अहंकार में मैं इतना डूब गया था कि आपके देवी स्वरूप को देखने में असमर्थ था मैं। देवी नहीं, मां के रूप में अनेकों बार आपने मुझे उचित मार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैं सदा भटकता। देवी मां मनसा, आप तो मां हैं और मां का हृदय तो विशाल होता है। संभव हो तो मेरी सभी भूलों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मां, क्षमा कर दीजिए मुझे। चंद्रधर, अपनी भूल को समझकर यदि कोई उससे सीख ले, उसे सुधार कर ले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और भोर का भोला यदि संध्या को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। चंद्रधर, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। कोटि कोटि धन्यवाद आपके इस क्षमा रूपी उपकार के लिए और आपके दिव्य दर्शन की कृपा के लिए। मुझे मेरी भूल सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मां, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं चंद्रधर, बेहुला का करो, जो तुम्हारे जीवन में वो प्रकाश की किरण बनी, जिसने तुम्हारे अहंकार के अंधकार को दूर कर दिया, जिसने तुम्हें निर्मल भक्ति के पथ पर लौटने के लिए प्रेरित किया। बेहुला ने जो किया उसके लिए मैं उसे आशीर्वाद दे चुकी हूँ। भविष्य में उसके नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज देवी पद पाने के पश्चात मैं घोषणा करती हूँ, बेहुला के उत्सव में जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा कर व्रत रखेगा, मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सुहागनों के सुहाग की आयु में वृद्धि होगी। अन्य सभी भक्तों को किसी भी प्रकार के विष और सर्पों और नागों के प्रभाव से अभयदान मिलेगा। विवाह और जीवन में कठिनाइयों को लाने वाले महापातक काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। माँ, आपकी कृपा तो आरंभ से ही मेरे ऊपर बनी रही है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने जो किया उसका श्रेय मुझे नहीं, मेरे माता पिता को जाता है। मुझे सफल बनाया उनके विश्वास ने, आपके आशीर्वाद ने और गजानन महाराज के मार्गदर्शन ने। हाँ पुत्री,
गजानन महाराज को तो हर शुभ कार्य का श्रेय जाता है। उन्होंने केवल तुम्हारी ही नहीं पुत्री, मेरी भी सहायता की है, क्योंकि तुम्हारे गजानन महाराज मेरे भ्राता है, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश है। आपकी देवी मनसा को देखने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। गणपति नमः। मैं आपके मार्ग के विघ्न को दूर कर दूंगा बिहुला। प्रणाम प्रभु। अहो भाग्य हमारे जो स्वयं विघ्नहर्ता हमारे सहायक बने। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि से ही हम सभी विघ्नों को दूर कर पाए। अब जब आप स्वयं हमारे मध्य हैं तो आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो भविष्य में भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि रहेगी। आपके आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। विघ्नहर्ता गणेश की कृपा के बिना कोई कार्य कहाँ पूर्ण होता है। विघ्नहर्ता, यदि आप मेरे मार्ग के विघ्न को दूर नहीं करते तो मेरे कार्य भी संपन्न नहीं होते। भ्राता गणेश के कारण ही आज मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई है। मैं आपको वचन देता हूँ दीदी, आपके देवी पद की प्राप्ति में मैं आपकी सहायता करूँगा। इसीलिए जो गणेश की उपासना करेगा वो मेरी भी कृपा का भागी बनेगा, और गणेश के भोग के पश्चात ही मुझे भोग चढ़ाया जाएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मां मनसा देवी 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 की जय। अनुज गणेश, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए दीदी मनसा, आपको अनेकों धन्यवाद, क्योंकि जब भी आपको भोग चढ़ेगा मुझे भी भोग मिलेगा, और अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। अनुज, तो चिंता किस बात की, भोग तो तैयार है। मैं सभी के लिए आसन लगा देता हूँ। आसन तो लग चुके हैं पुष्प दंत जी, आप अपने कार्य पर ध्यान क्यों नहीं देते। आप निश्चिंत रहिए भिंगे जी, महादेव जी के मुख्य द्वारपाल से कभी कोई चूक नहीं होती। अच्छा, तो हमसे कौन सी चूक होती है। आइए विघ्नहर्ता गणेश, भोजन के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ दीदी। ये लीजिए गणेश जी। ये क्या है मौसी। सदा के समान मैंने आज भी आपके लिए कुछ विशेष बनाया है, आप इसी पे बैठ के भोग ग्रहण कीजिए। अद्भुत है, सुंदर है, किंतु छोटा है मौसी। आपका गणेश अब थोड़ा बड़ा हो गया है, आप सदा मुझे छोटे आकार के उपहार ही क्यों देती हैं मौसी। क्षमा करो पुत्र, मैं क्या करूं? आप तो मुझे बाल रूप में ही दिखाई देते हैं। मैं कुछ भी बनाने जाती हूं तो आपके बाल अवस्था की छवि मेरे ध्यान में आती है और आकार छोटा ही रह जाता है। फिर ये मुझे लौटा दीजिए, मैं बड़ा बनाकर ले आती हूँ, इस बार कोई भूल नहीं करूँगी। नहीं मौसी, ये तो आपको कभी नहीं लौटाऊंगा मैं, ये मुझे मेरी माँ जैसी मासी ने जो दिया है, और जो माँ देती है वो छोटा बड़ा कैसा भी हो पुत्र को तो सदा प्रिय होता है। इसलिए आज मैं इसी पर बैठकर अपना भोजन ग्रहण करूँगा। किंतु मौसी, मुझे एक और उपहार देना होगा आपको। उपहार? कैसा उपहार? अपने हाथों से भोजन कराने का। दीदी प्रतीक्षा मत कीजिए, ये आपका प्रिय भोजन है। मैंने कहा था ना अनुज,
प्रथम भोग मेरे प्रिय भ्राता विघ्नहर्ता गणेश को ही चढ़ेगा। भोजन ग्रहण करो। थोड़ा और चाहिए मुझे। ये लो पुत्र। किंतु जया, ये तो प्रसाद का तुम्हारा भाग है, तुमने गणेश को क्यों दे दिया? अब चिंता ना करे देवी पार्वती, गणेश को भोग लगाते देख मेरा पेट तो स्वयं भर जाएगा, और वैसे भी स्वयं से अधिक आनंद तो मुझे गणेश को खिलाने में आता है। माँ का पेट तो पुत्र को खाते देखकर ही भर जाता है। आप खाइए ना। सत्य कहा आपने, दूसरों के साथ बांटने से आनंद का अनुभव और बढ़ जाता है। सुख बांटने से बढ़ता है तो दुख बांटने से घटता भी है। मौसी, जिस प्रकार आज आपने अपना भोजन मुझे देकर अपना आनंद बांटा है, वैसे ही एक दिन मैं आपसे आपका दुख बांटूंगा। आपका हृदय बहुत विशाल है जया मौसी। आप क्यों प्रसन्न हो रहे पुष्पदंत जी? यहाँ प्रशंसा आपकी धर्मपत्नी की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। और इनकी प्रतनता होगी भी नहीं, उनका दांत पलेगी दांत। उधर देखिए, ये जल तो सब बह गया, अब मैं क्या करूं? आप अपने कार्य से अधिक दूसरों के कार्य पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो उसका तो यही परिणाम होगा। अब तो पानी पानी होना पड़ेगा आपको, किंतु पानी किसी को नहीं दे सकेंगे। स्वामी का ऐसा अपमान उचित नहीं। जया, अरे हम शिवगढ़ों के बीच में तो हास परिहास होता ही रहता है। अरे अब ये भोजन किसके लिए बना रही हो जया? अब देखो जया, अब मैं क्या करता हूं? अब हमेशा ऐसा कार्य क्यों करते हैं जिससे दूसरों को आप पे हंसने का अवसर मिले? देखा जया। आपको तो चोट लगी है। ये छोटी मोटी चोट शिवगण के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस तुम एक बार हंस दो तो। मुस्कुरा दो तो हम ठीक हो जाएंगे। पिताश्री, माता, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। जाना चाहते हो पुत्री? अपनी माँ के पास कुछ दिन कैलाश में रुकोगी नहीं? माता, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु देवी पद के दायित्व तो मुझे निभाने ही होंगे। जाना तो मुझे होगा ही ना माता? उचित है, किंतु भली भांति मुझे अपने आप को विदा करने का अवसर तो दो। Thank you.
माता, दीदी कैलाश में चावल के दाने क्यों फेंक रही हैं? पुत्री जब मायके से विदा होती है तो उस विधि का अर्थ है कि वो मायके का धन मायके में ही छोड़कर जा रही है, जिससे वहां पर सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। प्रिय, माँ मनसा देवी विदा हो गई। उनके जाने से पहले मुझे उनके दर्शन भी नहीं मिले। उचित समय पे उचित कार्य नहीं करेंगे तो यही होगा, बस उपहास के पात्र बनेंगे आप। ऐसा नहीं है प्रिय, तुम्हारे लिए ये बनाने को पुष्प चुनने गया था मैं, इसलिए आने में विलंब हुआ। प्रिय, अपने प्रिय पत्नी के केशों में ये गजरा लगाने की अनुमति तो दे दो। अच्छा हुआ जो तुमने अपना क्रोध त्याग दिया, नहीं तो तुम्हें मनाने में मुझे अपने कार्य पर जाने में विलंब हो जाता, जो उचित नहीं है। महादेव के मुख्य द्वारपाल को यह शोभा नहीं देता। ये क्या? कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है। हाँ, पुष्प चुनते समय कांटों में हाथ डाल दिए होंगे। आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान तो रखिए ही, किंतु मैं क्या चाहती हूँ वो भी सुनिए। मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। प्रिय, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, तभी तो इतना बड़ा दायित्व मिला है मुझे। महादेव जी के द्वार का मुख्य द्वारपाल हूँ मैं। अब ऐसे मुंह फेर लोगी तो हम तो बात ही नहीं कर सकेंगे और हमें अपने कार्य में जाने में विलंब हो जाएगा। अधिक नहीं, एक दो बोल प्रेम के ही बोल दो। किसी भी पत्नी को अपने पति का उपहास होते देखना अच्छा नहीं लगता। अब आप जब तक अपनी योग्यता और श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्रेष्ठ हूँ, योग्य भी हूँ, प्रमाणित कैसे करूं? प्रथम पूज्य गणेश जी के पास इसका उत्तर अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना है, मेरी सहायता करेंगे ना आप? परंतु अधिक समय नहीं है मेरे पास। बोलिए पुष्पदंत जी। मैं अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करूंगा तभी मेरी पत्नी जया मुझसे वार्तालाप करेगी। इसके लिए मुझे बहुत बल की आवश्यकता है, आपके सुझाव से ये संभव हो सकेगा। श्रेष्ठ होने के लिए बल नहीं, बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। उचित है पार्वती नंदन, आपको अनेकों धन्यवाद। जो ज्ञानी है वही श्रेष्ठ है। मुझे सभी शिवगणों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, किंतु कैसे? कैसे करूंगा मैं ज्ञान अर्जित? कहां से मिलेगा मुझे ज्ञान? ये लो, ज्ञान के भंडार हैं जगत पिता महादेव और माता पार्वती, और मैं उनके द्वार का मुख्य द्वारपाल हूं, तो व्यर्थ विचार क्यों कर रहा हूं मैं? उनके तो हर शब्द में ज्ञान होता है, तो मैं यहां खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? थोड़ा और उनके निकट जाकर के सुनता हूं, ज्ञान के भंडार अपने आप ही खुल जाएंगे।
ये उचित नहीं है। अरे ये कैसा पाप करने जा रहा था पुष्पदंत? प्रभु और माता एकांत में है, मुझे ताक झांक नहीं करनी चाहिए, किंतु सुनने में तो कोई दोष नहीं। स्वामी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने कष्टों, संघर्षों और परीक्षाओं के पश्चात हमारी पुत्री मनसा को देवी पद प्राप्त हुआ है, और किसी देवी को इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। प्रिय, संघर्ष और कष्ट तो आपने भी देखे हैं, इस जीवन में भी और इससे पहले भी, जब देवी सती के रूप में आपका आविर्भाव हुआ था। किंतु इस सब का सार है, शुष्यत सुखेशु कालेशु त्यागो अमृत निर्झरा, अर्थात सुख अल्पकालिक होते हैं, कुछ ही समय में मिट जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किए गए त्याग अमृत की अनंत धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय भी बनाते हैं। कल गणेश जी ने मुझे श्रेष्ठ होने का रहस्य बताया, पता है वो क्या है? वो ज्ञान है, ज्ञान से ही कोई इंसान श्रेष्ठ बनता है। देखिए आप समय व्यर्थ मत कीजिए, अब जब तक आप अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते हमारे पास मत आइएगा। इसमें प्रमाणित क्या करना है प्रिय? मैं श्रेष्ठ हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे वो रहस्य ज्ञात है जो किसी को भी ज्ञात नहीं, न भृंगी न तोतला और यहां तक कि नंदी जी को भी नहीं पता है। और प्रिय नहीं, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुख्य द्वारपाल जी, जाके सो जाइए, रात्रि भर द्वार रक्षा जो की आपने, उल्लू समान आंखें लग रही हैं आपकी। उल्लू की तो है तभी तो आप उल्लू समान वो लगे बस बहुत हुआ, आप सभी के उपहास के पात्र नहीं है ये, आप सभी से अधिक ज्ञानी है। अच्छा तो हम भी तो तुने एतत्या ज्ञान प्राप्त है इन्हें, जो हमारे पास नहीं है। इन्हें ज्ञात है कि स्वामी आप स्वयं ही बताइए। इस बार ऐसी बात न कहिएगा स्वामी जिससे फिर आप उपहास के पात्र बने। मुझे ज्ञात है माता पार्वती अपने पूर्व स्वरूप में माता सती थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी वो। इसमें नवीन क्या है, ये तो सर्व ज्ञात है। नवीन वो ज्ञान है जो सभी से गुप्त है। शुष्य सुखेशु कालेशु त्यागो अमृत निर्झरा, सुख अल्पकालीन होते हैं जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किया हुआ त्याग अमृत की धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय बनाते हैं। ये तो प्रभु के शब्द हैं, जो कल रात्रि उन्होंने मुझसे कहे थे। क्या हुआ प्रिय? प्रभु कल रात्रि जो निस्वार्थ त्याग की महिमा आपने मुझसे जो कही थी, क्या वो कभी आपने पुष्पदंत से भी कही? अन्यथा आपके शब्द उसके मुख से कैसे सुने मैंने? Thank you.
गोष्ठान। पिताश्री प्रभु महादेव का ऐसा क्रोध सुना भर था। अवश्य पुष्पदंत जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस प्रकार तो एकमात्र कामदेव पर बरसा था प्रभु का क्रोध। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, क्षमा कर दीजिए। घोर पाप हुआ है उनसे, मैं जानती हूँ। क्षमा योग्य नहीं है वो, किंतु प्रथम भूल थी उनकी, इसलिए हे दया निधान क्षमा कर दीजिए उन्हें। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आपका निश्चल निर्मल स्वभाव सबकी हंसी और प्रसन्नता का कारण था। इसी बात पर मुझे आप पर क्रोध भी आता था और हंसी भी, पर अब जब आप चले गए हैं तो मेरी हंसी भी आपके साथ चली जाएगी। एकमात्र आप ही तो थे स्वामी, मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले। अब आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी। भृंगी जी, तोता जी, भृंगी जी सुनिए ना, रुक जाइए। आप तो उन्हें जानते थे ना, ऐसा घोर पाप को समान स्थिति में कर सकते थे क्या? नहीं ना, अब बोलिए ना प्रभु से कि उन्हें क्षमा कर दें, मेरे स्वामी को क्षमा कर दें, कहिए ना। देवी, मैं दानता भी हूँ और तमत्ता भी हूँ, किंतु प्रभु क्रोधाग्नि के आगे कुछ नहीं कर सकता। क्षमा करें देवी, महादेव के क्रोधित अवस्था में उनके सामने जाने का मैं साहस भी नहीं कर सकता, और कैलाश में कोई अन्य भी उनके क्रोध का सामना करने का साहस नहीं करेगा। देवी पार्वती, प्रभु उन पे क्रोध नहीं करेंगे। एकमात्र देवी पार्वती पर ही मेरी आस है, वही मेरी सहायता कर सकती है। मेरे पति किस अवस्था में होंगे ये ज्ञात नहीं मुझे, कैसी अभागन हूँ मैं। हे जगत जननी, दया कीजिए मुझ पर, महादेव का क्रोध आप ही शांत करा सकती हैं। मेरे स्वामी को क्षमा दान दिला दीजिए माता, महादेव आपकी अवश्य सुनेंगे। मेरे स्वामी को क्षमा दान दिला दीजिए। महादेव न तो दंड देते हैं और न ही क्षमा, वो तो केवल कर्मों का फल देते हैं, और कर्मों का फल तो व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। तो इस कर्म की दोषी तो मैं हुई, ना मैं उन पर श्रेष्ठता प्रमाणित करने का दबाव डालती और ना वो कुछ ऐसा करते, तो दंड तो मुझे मिलना चाहिए माँ, मुझे मिलना चाहिए।
सखी जया, व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है और जो पाप पुष्प दंत ने किया है उससे महादेव अत्यंत कुपित हैं और ऐसे में यदि मैंने उनसे कुछ भी कहा तो उनका क्रोधांक कहीं मुझे ही भस्म ना कर दे। कहाँ जाइए अभागन, किससे गुहार लगाए? गणेश जी। मौसी, जिस प्रकार आज आपने अपना भोजन मुझे देकर अपना आनंद बांटा है, वैसे ही एक दिन मैं आपसे आपका दुख बांटूंगा। विघ्नहर्ता है वो, उन्होंने वचन दिया था मुझे तो वो मेरे और मेरे स्वामी के विघ्न को भी अवश्य दूर करेंगे, वो उन्हें पिशाच रूप में नहीं रहने देंगे। क्षमा करना सखी, तुमने पुत्र गणेश से आस लगाई है, किंतु अब वो चाहकर भी पुष्प दंत को पिशाच योनि से नहीं लौटा सकेगा। हे पार्वती नंदन, हे गणेश जी, कैलाश में मेरी गुहार सुनने को कोई तैयार नहीं है, अब आप ही मेरी अंतिम आस हैं, मुझे निराश मत कीजिए। किंतु मौसी, मैं जानती हूँ उनसे पाप हुआ है, पर वो पाप का कारण मैं हूँ। यदि मैं उन पर क्रोध नहीं करती और उनसे बात करती तो वो कदापि ऐसा पाप नहीं करते, और अब तो उनसे तभी बात कर पाऊंगी जब आपकी कृपा होगी। किंतु मौसी, कृपा कीजिए गजानन, माता पार्वती ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। जब माता ने सहायता नहीं की तो मैं कैसे? संसार के विघ्नहर्ता हैं आप, फिर भी आपके मुख से ना सुन रही हूँ। नहीं नहीं विघ्नहर्ता, अपनी मौसी का विघ्न नहीं हरेंगे आप। आपने तो कहा था मौसी का अर्थ है मासी, क्या अपनी माँ की सहायता नहीं करेंगे आप? मेरे वश में होता तो मैं अवश्य सहायता करता, किंतु परंतु भी सहायता लेनी पड़ रही है आपको। गजानन, आपने मुझे वचन दिया था, याद है आपको, कि आप मेरे दुख में मेरी सहायता करेंगे, तो क्या आप अपना वचन नहीं निभाएंगे, मेरे कठिन समय में मेरा साथ नहीं देंगे? बोलिए गणेश जी, कुछ तो बोलिए। प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है, या आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, अन्यथा मुझे मौसी कहना छोड़ दीजिए। मौसी, चिंता मत कीजिए मौसी, पुत्र का वचन व्यर्थ नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, पिता श्री प्रभु महादेव से स्वयं याचना करूंगा। आपकी पीड़ा बांटने का वचन दिया था मैंने, इसलिए अब मैं एक और वचन देता हूँ, आपके पति पुष्प दंत जी को पिशाच योनि से अवश्य लौटा कर लाऊंगा, फिर भले ही इसके लिए मुझे पिताश्री के क्रोध का ही सामना क्यों ना करना पड़े। पुत्र गणेश, अभी स्वामी का ध्यान भंग करना उचित नहीं। किंतु मैं मौसी को दिया वचन भंग नहीं कर सकता माता। स्वामी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, पिताश्री को कदाचित मेरे आगमन और उद्देश्य
दोनों का ही आभास हो गया। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं वो। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं। स्वामी ऋषि मार्तंडेय के स्वागत के लिए उठे हैं, पुत्र गणेश को दंडित करने के लिए नहीं। प्रणाम माता। हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। नहीं ऋषिवर, आप जैसे भक्तों मेरे हृदय के निकट होने चाहिए। अद्भुत, मैंने पिताश्री को कभी किसी भक्त का ऐसा स्वागत करते नहीं देखा। मैं धन्य हो गया प्रभु। आपका स्वागत है कैलाश में। स्वयं अपने हाथों से आसन बिछा रहे हैं प्रभु। भक्त और भगवान का ऐसा अनूठा मिलन मैंने कभी नहीं देखा। हाँ पुत्र, जो भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय है उनके स्वागत के लिए इतना ही सम्मान करते हैं भोलेनाथ। प्रिय, ऋषि मार्कंडेय पधारे हैं, पकवान और फल से इनका स्वागत कीजिए। भक्ति भाव से यहाँ आया हूँ प्रभु, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रिय कर्म है। अपने आराध्य अपने भगवान से सेवा करवाना नहीं। आनंद तो सेवा में ही है ना ऋषिवर, जो भक्त उसके योग्य हो उसकी सेवा में भगवान को भी परमानंद की प्राप्ति होती है। मुझे इस आनंद का अनुभव करने दीजिए प्रिय भक्त मार्कंडेय। लीजिए स्वामी। नहीं प्रभु। अपने भक्त को अपनी मर्यादा में रहने दीजिए। प्रभु, आपने मुझे अपने हाथों से खाने ही कहां दिया, हाथ तो मुझे आपके धुलवाने चाहिए। मैं धन्य हुआ प्रभु, अब अपने इस भक्त को अपने भगवान की सेवा का परम आनंद प्राप्त करने दीजिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रभु, आपकी भक्ति में ही आनंद है। भक्ति की मर्यादा भंग कर कैसी भूल कर दी स्वामी ने कि उनके ही आराध्य ने अपने परम भक्त को स्वयं से दूर कर दिया। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। पिताश्री, एक भक्त को जब आपकी इतनी कृपा प्राप्त हो सकती है तो क्या दूसरे भक्त को उसकी भूल के लिए क्षमादान नहीं मिल सकता? पार्वती नंदन की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, उन्हें अपने क्रोध का भागी नहीं बनाइएगा। बोलिए ना पिताश्री, भूल स्वीकार करने वाला क्या क्षमा का पात्र नहीं? किसी महापापी को भी सुधरने का एक अवसर मिलता है पिताश्री, तो फिर एक भक्त को अपनी भूल सुधारने का अवसर क्यों नहीं मिल सकता? उचित है पिताश्री, कम से कम इतना बताने की तो कृपा कीजिए, कैसे क्षमा मिलेगी उन्हें? आपके शाप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं वो? उनके प्रायश्चित का कोई तो उपाय होगा। प्रायश्चित? जिसे मर्यादा का ज्ञान ही नहीं, वो भला क्या प्रायश्चित करेगा? जो भक्त मर्यादा का महत्व समझता है, उसका महत्व भगवान से कहीं अधिक होता है। ऐसे महान भक्तों पर भगवान स्वयं न्योछावर रहते हैं, और जो भक्त मर्यादा को भूल जाए वो भक्त ही नहीं कहलाया जा सकता। एक और भक्त मार्कंडे हैं, जिन्होंने स्वयं मुझसे सत्कार पा करके अपनी मर्यादा नहीं भूली, और दूसरी ओर वो है जो एक पद की मर्यादा भी नहीं निभा सका। किंतु गणेश, यदि उसकी सहायता करनी है तो उसे सर्वप्रथम ये समझाओ कि भक्ति की मर्यादा क्या होती है। गणेश, पुष्प दंत को कुछ सिखाना ही है तो भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाओ उसे। गणेश जी, आपने प्रयास किया ये मेरे लिए बहुत है, किंतु आप निराश मत होइए। निराश नहीं हूँ, पिताश्री के वचनों ने मेरी आशा जगा दी है। बस ये सोच रहा हूँ उनके बताए उपाय पर कैसे चलूं। उपाय? कैसा उपाय? प्रायश्चित का उपाय, सच्ची भक्ति और उसकी मर्यादा समझने का उपाय, जो पिताश्री ने मुझे उन्हें सिखाने को कहा है। मेरे ऐसा करते ही मुझे विश्वास है प्रभु महादेव पुष्प दंत जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का भी उपाय अवश्य सुझाएंगे। किंतु उसके लिए सर्वप्रथम मुझे पुष्प दंत जी को ढूंढना होगा। वो कहाँ होंगे? किंतु अब वो पुष्प दंत नहीं जिनको हम जानते हैं, अब तो वो एक पिशाच है। हर हर महादेव। तद्रूपम परम वस्त्रम आकृष्यमाणे वसने द्रौपदास्तु विशाम्यते तद्रूपम परम वस्त्रम रादुरासिदने कशः।
पुष्पदंत जी यहाँ नहीं है। इस विशाल नगर में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे प्रभु? उपाय सूझ गया मौसी। पुष्पदंत जी पिशाच रूप में नगर में नहीं, यहाँ के बाहर निर्जन स्थानों पर या जंगल में मिलेंगे। क्षमा करना मौसी, उन्हें अभी पिशाच बुलाने का खेद है मुझे, किंतु ये भूल कर नहीं अपितु याद रख कर ही उन्हें ढूंढा जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों को हंसाने के लिए तत्पर रहता था, आज उसके भय के कारण लोग उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते। मौसी, पिशाच योनि से उन्हें शीघ्र मुक्त कराएंगे हम, किंतु उसके लिए सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। आइए। क्या है गणेश जी, ये विचित्र दुर्गंध और इतनी सारी घटनाएं? पिशाच निकट होते हैं तो उनकी गंध आती है, क्योंकि वो ऐसे गंध वाले अंधकारी स्थानों में जाकर छिपते हैं। अब पुष्पदंत जी के दर्शन होने ही वाले हैं मौसी। श्रेष्ठ होने के लिए बल नहीं बुद्धि आवश्यक है, ज्ञान ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। मैं तुम्हें श्राप देता, तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। इनके इस सुझाव के कारण दंड मिला मुझे। अब ये क्यों आए हैं? अब यहाँ अब हम बहुत निकट हैं। वो जैसे ही मिलेंगे हम उन्हें पिशाच योनि से मुक्त कराकर दोबारा पुष्पदंत जी बनने में सहायता करेंगे। सहायता? कैसी सहायता? मैं अच्छा हूँ, सब आनंद है, नहीं चाहिए कोई सहायता। मैं जो हूँ सो हूँ। पति है मेरे, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे देखेंगे ना तो मेरी ओर खींचे चले आएंगे, ये विश्वास है मुझे। मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। पत्नी प्रेम? आ, 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 ये कौन है? मैं किसी का कोई नहीं है। पुष्पदंत जी, पुष्पदंत जी सामने आइए। पुष्पदंत जी, हम पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने में आपकी सहायता करने आए हैं। सहायता? कैसी सहायता? मैंने कहा ना मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, समझ नहीं आता आपको? ढूंढ भी नहीं पाओगे मुझे तुम। पुष्पदंत जी, पुष्पदंत जी, वो
वहाँ है मौसी, उस वृक्ष पर। वो वहाँ है। अभी तो यहीं थे वो। तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आऊंगा, सामने नहीं आऊंगा, कभी नहीं पहुंच सकोगे मुझ तक। लगता है वो नहीं चाहते कि हम उन्हें ढूंढ सकें, क्योंकि अब तो उनके निकट होने का आभास भी नहीं हो रहा है। किंतु उन्हें बिना ढूंढे हम उन्हें समझाएंगे कैसे? एक उपाय है। वाह, कोई उपाय काम नहीं आता पिशाच के सामने, इतना भी नहीं जानते गणेश जी? हाँ, विफल हो जाएंगे आपके सारे उपाय। आप अपना उपाय लगाइए, मैं तो चला। क्या उपाय है गणेश जी? अब मैं नहीं ढूंढूंगा उन्हें, वो तो स्वयं आएंगे मेरे पास। किंतु वो कैसे गणेश जी? उनका आखेट बनूंगा मैं। जैसे वो दूसरों पर हमला करते हैं, वैसे ही वो मुझ पर भी हमला करेंगे। तब मैं उन्हें पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। मेरे पास? अर्थात मैं अभी आपके साथ नहीं चलूंगी? नहीं मौसी, आप जिस भी रूप में उनके पास जाएंगी, वो तो आपको अवश्य पहचान लेंगे। किंतु प्रभु, अगर आप उन्हें ले भी आए और वो भाग गए तो? आप चुटकी भर सिंदूर ढूंढ कर रख लीजिए, वो यहाँ किसी वृक्ष के पास या छोटे मंदिर में मिल जाएगा। नहीं, अपनी अपनी पोटली मुझसे दूर रखो, दूर रखो। पोटली? कैसी पोटली? हंसने हंसने वाली पोटली। अवश्य पुष्पदंत जी ने इन्हें सताया है। ये लीजिए, आप जल लीजिए। क्या हुआ? लगता है कि आपके सामने पिशाच आया था मेरे सामने। फिर क्या हुआ बताइए ना। फिर मैं प्रभु का पुजारी हूँ, काशी प्रभु के दर्शन के लिए आया था। दर्शन तो हो गए, किंतु जब लौट रहा था तब मार्ग में मुझे सोने की मुद्रा दिखी। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो वो एक मुद्रा ढेर सारी मुद्राओं में परिवर्तित हो गई। चमत्कार! धन का लालच बुरा होता है ये तो पता है मुझे, किंतु पापी मन प्रभु भक्तों को भी भ्रमित कर देता है। बस लालच में उलझ गया, मुझे लगा प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। वो स्वर्ण मुद्राएं बहुमूल्य आभूषणों में परिवर्तित हो गए और फिर वहां असंख्य आभूषण दिखाई देने लगे। क्या करूं, कैसे लेके जाऊं इतना? चमत्कार! किंतु वो चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने कपड़े की पोटली बनाई तो ये
पोथली मेरे हाथ से कैसे चिपक गई। लगता है तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या महाराज, फिर मैं मूर्छित हो गया। अच्छा, तो आपकी ही चीख की आवाज सुनाई दी थी मुझे। किंतु वो स्वर्ण मुद्राएं आपको कहाँ दिखाई दी थी? यहाँ से कुछ दूरी पर उस वृक्ष के पास। लालच में मत पड़ना महाराज, भ्रम है वो, मुद्रा नहीं, पिशाच का माया जाल है वो। अब तो उस पिशाच के दर्शन करने ही होंगे मुझे। जाना है तो जाइए, किंतु कह देता हूँ मैं आपकी चीख सुनकर नहीं आऊंगा। बहुत भयानक है वो पिशाच। अब मैं निश्चिंत होकर किसी और को सताऊंगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बिल्कुल योग्य है ये सताने के, अभी इसका भजन बुलवा दूंगा मैं। तो आ गए पुष्पदंत जी, अब देखिए कैसे मैं अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को रोकता हूँ। ओहो, इतनी स्वर्ण मुद्राएं, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। नहीं नहीं, भ्रम हुआ था मुझे, भाग्य नहीं खुले हैं मेरे, स्वर्ण मुद्राएं नहीं मात्र कंकड़ पत्थर हैं ये। असंभव, ये कैसे हो गया? स्वर्ण मुद्राओं का ढेर। बार बार भ्रम ही हो रहा है मुझे, मात्र कंकड़ पत्थर का ढेर है ये। ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः ही पत्थर में कैसे परिवर्तित हो गई? पिशाच की पिशाची क्रिया असफल नहीं होने दूंगा। इस बार तो कोई भ्रम नहीं हुआ है मुझे, ये तो वास्तव में स्वर्ण आभूषण है, किंतु मैं इन्हें लेकर कैसे जाऊं? अब नहीं बचेगा ये। ओहो, पोटली बनाने के लिए वस्त्र भी मिल गया। क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता कुछ और है, होता कुछ और है। ये भी मात्र साधारण घास फूस ही है। दुष्ट, ये स्वर्ण आभूषण तुझे घास फूस दिखाई दे रहे हैं? अपने दृष्टि सुधार। कौन हो तुम? पुष्पदंत जी, क्या लगा था आपको मैं ढूंढ नहीं सकूंगा आपको?
ढूंढ तो लिया गणेश जी, पर पकड़ोगे कैसे? क्या हो गया मुझे? मैं आगे तो नहीं बढ़ पा रहा हूं। छोड़ दीजिए गणेश जी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। किंतु मैं तो अपने वचन से बंधा हूँ, मैंने जया मौसी से कहा था मैं आपको लेकर ही आऊंगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इस वस्त्र में कैसे सिमट रहा हूँ? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे गणेश जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अब तो आपको चलना ही होगा पुष्पदंत जी। स्वामी, स्वामी कहाँ है पार्वती नंदन? आप उन्हें साथ नहीं लाए? लाया हूँ मौसी, वो यहाँ है। दीजिए मौसी, मुझे सिंदूर दीजिए। हाँ हूँ मैं। अरे मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। सिंदूर वर्णम द्विभुजम गणेशम लंबोदरम पद्मदले निविष्टम। मैंने कहा ना, मैं पुष्पदंत नहीं, पिशाच हूँ। स्वामी, मैं किसी का स्वामी नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। सिंदूर के इस अभिमंत्रित घेरे से बाहर निकलना असंभव है आपके लिए पुष्पदंत जी। हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, तो आप दूर क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि मुझे कहीं नहीं लौटना। बहुत आनंद आ रहा है मुझे अपने इस रूप में। किंतु हमें भगवान शिव का आदेश है, उन्होंने हमें आपको भक्त की मर्यादा सिखाने भेजा है। संभव है अवश्य प्रभु महादेव के आदेश के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। अच्छा, आप कैसे सिखाएंगे भक्त की मर्यादा मुझे? धार्मिक कथाओं का पाठ कर। चिंता मत कीजिए मौसी, प्रभु महादेव ने मुझे यहाँ भेजा है, तो वो उचित कथा चुनने में भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वैसे भी कथाओं का क्या लाभ? कुछ नहीं। आज तक कभी किसी कथा कहानी से मुक्ति मिली है किसी को? भलाई हुई है किसी की? बताइए गणेश जी, ऐसे मिली है मुक्ति किसी को? हाँ मिली है, मुक्ति मिली है गोकर्ण की कथा में उनके भ्राता को। तो सुनिए, मैं आपको भक्त गोकर्ण की कथा सुनाऊंगा। एक ऐसे भ्राता जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से अपने भ्राता को मोक्ष दिलाया, उन्हें वैकुंठ तक पहुंचाया। तो यही चाहते थे पिता श्री प्रभु महादेव। पिता श्री प्रभु महादेव की लीला की था कोई नहीं पा सकता। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे एक बड़ा कारण होता है। कनीर जी, कैसे लीला? भक्त के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के अद्भुत स्वागत की लीला की। फिर मुझे चुनौती दी कि मैं पुष्पदंत जी को भक्ति का पाठ सिखाऊं। गणेश, यदि उसकी सहायता करनी है तो उसे सर्वप्रथम ये समझाओ कि भक्ति की मर्यादा क्या होती है। अर्थात जो समाधान हम मांग रहे थे वो उन्होंने अपने आप दे दिया। क्योंकि जिस प्रकार गोकर्ण ने अपने भ्राता को कथा सुनाकर मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही भक्तों की कथाएं सुनाकर मैं पुष्पदंत जी की मुक्ति का माध्यम बनूंगा और संसार को भी भूत और भविष्य के सभी महान भक्तों का परिचय प्राप्त होगा। उनसे उनके जीवन को प्रेरणा मिलेगी। आप ये समझेंगे कि भक्त की भक्ति की दृढ़ता
प्रभु को उसका भाग्य बदलने पर भी विवश कर देती है। गोकर्ण और अन्य भक्तों की कथाओं से आप ये भी सीखेंगे कि परिस्थिति कोई भी हो, प्रभु की भक्ति से कभी नहीं डिगना चाहिए। हाँ, ये पल्लू मिटा दे सिंदूर की रेखा को, तो भागने का अवसर मिल जाएगा मुझे। पुष्पदंत जी, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ गणेश जी। मुक्ति जो पानी है, सुनिए। हाँ, कहने दो इन्हें कथा। ये रेखा मिटेगी तो मैं अपनी ही कथा गढ़ूंगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में वेद के ज्ञान के स्रोत और वेद अनुरूप सभी कार्यों में निपुण एक धनी ब्राह्मण रहते थे। नाम था आत्मदेव। ओम सूर्याय नमः। वो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी थे, महाज्ञानी थे और धर्मनिष्ठ थे। धनी होने के बाद भी बहुत सरल साधारण जीवन जीते थे। आत्मदेव की पत्नी धुंधली, कुलीन भी थी और सुंदर भी, किंतु घर परिवार के दायित्वों की चिंता ही नहीं थी उन्हें। सुख ऐश्वर्य में ही रुचि थी और भोजन, उसके प्रति तो उन्हें बहुत आसक्ति थी। जहां एक ओर धुंधली घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके विपरीत आत्मदेव को प्रत्येक कार्य में आनंद आता था। ओ, ये भोर में कैसा अपशगुन हो गया, ये किसका मुख देख लिया मैंने। आज का दिन फिर अशुभ हो गया। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। मैं तो पौधों को खाद दे रहा था। कोई लाभ नहीं है खाद देने का, ना तो तुम्हारे पौधों में फूल आते हैं, ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। फिर वही राग कौन अलाप रहा है? तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव, ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता, किंतु भोर में अपना अशुभ अपशकुनी मुख किसी को ना दिखाता। मुख तो हमें तुम्हारा नहीं देखना चाहिए, जो ईर्ष्या की अग्नि में झुलसकर काला हो गया है। यदि तुमसे हमारा सुख नहीं देखा जाता ना, तो अपने घर से निकलना ही बंद कर दो, अन्यथा अपनी दृष्टि ही खो दोगे। शांत हो जाओ भाग्यवान, हमारे ही भाग्य अच्छे नहीं है, फिर किसी और को कुछ कहने से क्या होगा। अपने आप को दोष देकर मुझे और क्रोध मत दिलाइए, मुझे और भी काम है। पड़ोसी के शब्दों का प्रभाव धुंधली पर तो नहीं हुआ, किंतु उन कटु शब्दों के बाण आत्मदेव के हृदय को बींध गए। पुष्पदंत जी, सुन तो रहा हूँ गणेश जी, आप मार क्यों रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। पड़ोसी के शब्दों से आत्मदेव इतने आहत हुए थे कि किसी कार्य में उनका ध्यान ही नहीं लगा, बस वही शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, उन्हें कष्ट देते रहे। ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है, तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। इतनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता। बस हो गया भोजन।
निर्धन हो तुम्हारे स्थान पर होता वैसे जीवन किसी नदी में जाकर डूब जाता या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता, किंतु भोर में अपना अशुभ होकर भी निर्धन मुंह देव किसी को ना दिखाता कोई लाभ नहीं है। रुकिए ब्रह्मण देवता, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप जैसे सुविचारी के मन में ऐसा कुविचार आना भी अधर्म है, पाप है। दुख चाहे कुछ भी हो किंतु आपके तन मन और आत्मा इतने पवित्र है कि वो इस परिणाम के योग्य नहीं है। फिर मैं किस योग्य हूँ ऋषिवर? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सदा सबका भला किया, किसी का बुरा नहीं किया, नियमित रूप से प्रभु की पूजा की, फिर भी क्या मैं एक छोटे सुख के योगी नहीं हूँ? संतान का सुख ही सब कुछ होता है, ये आपसे किसने कहा? आप अवश्य कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, जो मेरे बिना कहे ही मेरे मन की व्यथा जान गए। तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं? अवश्य, भविष्य के संकेत पढ़ने दीजिए मुझे। बड़े दुख की बात है, केवल इस जन्म में ही नहीं, आपको 7 जन्मों में संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण देव, मानव जीवन से बड़ा सुख और कोई नहीं है, यह तो ईश्वर की असीम कृपा का फल है। इस जीवन का अपमान स्वयं ईश्वर का अपमान है, इसलिए प्रभु भक्ति कर अपने मानव जीवन को सार्थक कीजिए। आप उदास अशांत चित्त से अपना मन प्रभु भक्ति में कैसे लगाऊं? संतान के अभाव में मैं शांति नहीं पा सकूंगा ऋषिवर, नहीं पा सकूंगा। शांति संतान नहीं, भक्ति और श्रद्धा देती है। लेकिन ऋषिवर, संतान बिना जीवन में प्रसन्नता कहाँ? प्रसन्नता संतान नहीं, संतुष्टि से आती है। तो संतोष कैसे करूं? ये जानकर कि मेरे अंत के बाद मेरी स्मृति रखने वाला कोई नहीं, मेरा तो नाम ही मिट जाएगा। नाम संतान से नहीं, कर्मों से जीवित रहता है। किंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान तो चाहिए ना? हाँ, किंतु संतान अधर्मी हो तो धार्मिक व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है, किंतु संतान भक्त प्रहलाद के समान धार्मिक हो तो अधर्मी का भी वंश सुधर जाता है। इसलिए वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। किंतु ऋषिवर, मान्यता तो यही है ना कि संतान बिना श्राद्ध नहीं, पिंडदान नहीं, मुक्ति नहीं? नहीं वत्स, ये सत्य नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो संतान के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है, उसी में आप खो जाइए, शेष प्रभु की इच्छा, वही कृपा करेंगे, मुक्ति देंगे। मेरी पीड़ा से तो मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब संतान की प्राप्ति होगी, और यदि ये मेरे भाग्य में नहीं तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। लगता है आज शीघ्र ही निकल गए स्वामी। चलो अच्छा है, उनके लौटने तक मुझे विश्राम करने का थोड़ा और अवसर मिल जाएगा। रुकिए ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण तो सबको धर्म का मार्ग दिखाता है, आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते नहीं देख सकता।
आपकी हट ने मुझे विवश कर दिया कि मैं विधि के विपरीत जाकर यह फल आपको दे रहा हूं। आप इसे अपनी पत्नी को खिला दें, संतान प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु इस फल के फलित होने के लिए आपकी पत्नी को एक वर्ष तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शौच, दान, दया का पालन करना होगा। एक समय पर एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। धरती पर सोना होगा। ऐसा करने पर ही बालक का स्वभाव शुद्ध होगा, सात्विक होगा और वो माता पिता को सुख प्रदान करेगा। चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। विधि के नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप ये आम फल आपकी पत्नी को खिलाना चाहते हैं या नहीं। तो क्या इतनी कड़ी चेतावनी के बाद भी आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। ये क्या देखा मैंने? ये कैसे संभव है? नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। अरे स्वामी, आप कहां चले गए थे इतने शीघ्र? तो नहीं दिया ना वो फल आत्मदेव ने अपनी पत्नी को? हाँ, किंतु फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया, फिर कुछ और ही हो गया। देखिए स्वामी, कौन आया है। ओहो, खुश रहो खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। ये ले चुटकी, हलवा खा। स्वामी, ये पुनः माँ बनने वाली है। ये ससुराल से मायके जा रही थी, मैंने कहा एक दो दिन यहीं रुक जा। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। एक दो दिन रहेगी वो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा मुझे भी और इस अतिथि को भी। दीदी के हाथ का ये विशेष भोजन, हलवा खाकर। जीजाजी, मेरा अर्थ है कि मैं और मेरी होने वाली संतान को बहुत ध्यान रखना होता है इसका, पर इसमें भी बड़ा आनंद है। माता पिता बनने से अधिक बड़ा कोई और सुख कहाँ है? तो ये सुख तो मुझे भी मिल सकता है। अरे दीदी, आपने हलवा में घी और गुड़ अच्छी मात्रा में तो डाला है ना? या सदा के समान फिर बचत कर ली? अरे, ऐसे आनंद के अवसर पर मैं बचत के बारे में थोड़े ही सोच सकती हूँ। वैसे भी ये आनंद सबको थोड़े ही मिलता है। इसी चक्कर में तो आज नोकझोंक हो गई पड़ोसी से। तब तो आपने भी उसे खूब सुनाया होगा, आप कहाँ रुकी होंगी। हाँ हाँ, तो मैं चुप रहने वालों में से थोड़े ही हूँ। अब वो कभी ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। अब कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे हमारी समस्या का समाधान मिल गया। ये देखो, अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति? वो कैसे? एक महान ऋषि ने मुझे ये फल देकर बोला कि अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, वो शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। किंतु तुम्हें एक साल तक सात्विक जीवन जीना होगा, सत्य, शुद्धता, दया और दान के नियमों का पालन करना है। एक समय पर एक ही अन्न खाना होगा और धरती पर चटाई बिछाकर सोना होगा। चिंता की बात नहीं है प्रिय, ये सत्य है। हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये लो, इसे खा लो। मैं प्रभु के मंदिर जाकर भक्ति का फल देने के लिए उनका आभार प्रकट कराता हूं। तो क्या दुल्हे सात्विक जीवन जीने के लिए तैयार हो गई? अब आनंद आएगा, बस एक पवन का चुका और फिर खुल जाएगा मेरा मार्ग। इस बार ऐसा छिपूंगा
कोई नहीं ढूंढ सकेगा मुझे। बस तब तक गणेश जी का ध्यान पटा रहे। हाँ हाँ बताइए ना प्रभु, फिर क्या हुआ? आत्मदेव संतान प्राप्ति के विचार से बहुत प्रसन्न थे, किंतु धुंधली उनका मन तो अनेक चिंताओं से भरा था। उन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया था। क्या हुआ दीदी? सात्विक जीवन का अर्थ समझती हो तुम? ना चटपटा भोजन होगा, ना कोमल शैया, मैं जीऊंगी कैसे? नया जीवन संसार में लाना है, संतान सुख पाना है, तो अपने ऊपर तो इतना संयम रखना पड़ेगा ना दीदी, इतना त्याग तो करना पड़ेगा। एक नहीं अनेक त्याग। हाँ दीदी, करना पड़ता है, ऐसे कष्टों को मुस्कुरा कर सहना पड़ता है। कष्ट, पीड़ा, अपार पीड़ा सहनी होती है। पीड़ा, सारे सुख भूलने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है दीदी। पर तुमने तो कहा था कि माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। संतान की प्राप्ति के लिए मैं इतने कष्ट सहूंगी कैसे? इस झंझट से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। व्यक्ति का सौभाग्य और दुर्भाग्य स्वयं उसके निर्णय पर निर्भर करता है।